अब सीधे विधानसभा के भीतर आपको लिए चलते हैं। जिस तरीके से अब स्पीकर पद के लिए वोटिंग होनी है, उसमें बहुमत के लिहाज से देखें तो कांग्रेस चूंकि साथ खड़ी है तो कांग्रेस समर्थन देगी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का। उन्होंने अपना उम्मीदवार कोई खड़ा नहीं किया है कांग्रेस ने। उसका फोटो ना लें, जो प्रेस के लोग हैं वो फोटो ले सकते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, आज इस पांचवी विधानसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए हमारे सचिवालय को 9 प्रस्ताव पास प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले सभी 9 प्रस्ताव प्रत्येक प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और प्रत्येक समर्थन करने वाले सदस्य द्वारा समर्थित किए जाएंगे। अगर कोई माननीय सदस्य इस स्टेज पर अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है तो वह स्पष्ट शब्दों में हमें बताएगा कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है बल्कि उसे वापस ले रहा है। जब सभी 9 प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत हो जाएंगे और उनके समर्थनकर्ता द्वारा समर्थित हो जाएंगे तो सबसे पहला प्रस्ताव सदन के समक्ष निर्णय के लिए रखा जाएगा। यदि पहला प्रस्ताव ही पास हो जाता है जाएगा तो उसके बाद के प्रस्ताव सदन के सामने निर्णय के लिए नहीं रखे जाएंगे। यदि पहला प्रस्ताव पास नहीं होता तो उसके बाद वाला प्रस्ताव सदन के सामने निर्णय के लिए रखा जाएगा। श्री मदन लाल, माननीय सदस्य निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करेंगे कि श्री मनिंदर सिंह धीर, जो इस सदन के सदस्य। मदन लाल जी, जाहिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि मनिंदर सिंह धीर जी, जो इस सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का सभापति चुना जाए। प्रकाश, श्री प्रकाश प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री मनीष सिसोदिया, माननीय शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, श्री मनिंदर सिंह धीर जी, जो कि सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। श्री दिनेश मोहनिया प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री विशेष रवि, माननीय सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि महेंद्र सिंह धीर जी को इस सदन के, जो इस सदन के सदस्य हैं, इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री सोमदत्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री संजीव झा, माननीय सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वृंदर सिंह धीर जी, जो सदन के सदस्य हैं, कोई सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री मनोज कुमार प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समर्थन का प्रस्ताव समर्थन करता हूं। श्री जनरल सिंह, माननीय सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि मनिंदर सिंह धीर, जो इस सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री जगदीप सिंह प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री साहब सिंह चौहान, माननीय सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सर, आई मूव द मोशन दैट प्रोफेसर जगदीश मुखी, अ मेंबर ऑफ द हाउस, बी चोजन एज द स्पीकर ऑफ द हाउस। श्री नरेश गौड प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव का, जो साहब सिंह चौहान ने रखा है, इसका समर्थन करता हूं। श्री जितेंद्र सिंह संटी, माननीय सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव पर प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, जो कि सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। धन्यवाद। श्री रंजीत सिंह प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री प्रगुमन राजपूत,
माननीय सदस्य निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रोफेसर जगदीश मुखी जो इस सदन के सदस्य हैं को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री मोहन सिंह विष्ट प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री अजीत खरखरी माननीय सदस्य निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रोफेसर जगदीश मुखी जो इस सदन के सदस्य हैं को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री जितेंद्र कुमार प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अब श्री मदन लाल द्वारा प्रस्तुत एवं श्री प्रकाश द्वारा समर्थित प्रस्ताव, श्री मनिंदर सिंह धीर जो इस सदन के सदस्य हैं को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए, सदन के सामने हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो खड़े हो जाएं। सदस्यों के गिनती के अनुसार उनके खड़े होने से प्रस्ताव पास हुआ। डिवीजन हो गया, ये डिवीजन है 37। नहीं, आपने काउंट कर लिया? हाँ। और इधर काउंट कर लिया? हाँ, 28। मोहन सिंह जी, झगड़ा करना वो अलग बात है, नहीं दिख रहा है। आप प्लीज फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। मैं कर लेता हूँ। आपने ना हाँ कहा ना ना, मैं दोबारा कर लेता हूँ। हम तो अपोज, वी आर अपोज। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब श्री मदन लाल द्वारा प्रस्तुत एवं श्री प्रकाश द्वारा समर्थित प्रस्ताव, श्री मनिंदर सिंह धीर जो इस सदन के सदस्य हैं को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए, सदन के सामने हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हो जाएं। गिन लीजिए साहब। मैं तो बता दिया था आपको, बैठ जाइए। जो विपक्ष में है वो खड़े हो जाए। गिर लिए सब, गिर लिए, बैठ जाइए। सदन के सदस्यों के गिनती के अनुसार प्रस्ताव के पक्ष में 37 मत पड़े, विरोध में 28 पड़े। हाँ, 32 हो गए, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, 32 हो गए। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है जवान साहब, 5 मिनट की अध्यक्षीय काय को पंगे ले रहे हो। लिसन मी जनता, व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर काइंडली लिसन मी। इसकी एक गरिमा है, एक अध्यक्ष का चयन हो रहा है और नियमों के अनुसार हो रहा है। द प्रॉपर प्रोसीजर शुड बी फॉलोड इन टोटो That I say. आप इसको मजाक बनने का अवसर मत दीजिए। आप कितनी वोट पड़ी है, आप डिक्लेयर करिए कि कौन व्यक्ति ये कैरी हुआ नहीं हुआ, कितने पक्ष में कितने विपक्ष में कौन आपका निर्वाचित हुआ, और फिर सदन के नेता और विपक्ष के नेता उनको सीट तक ले। होगी कार्रवाई, सब होगी। आप बैठ तो जाइए।